गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ रब की दुआ से ठीक होंगे। आज एक छोटी सी टिप देने जा रही हूँ आपको बालों के लिए। आप शैम्पू से पहले उसको कर सकते हैं एंड सी, उसमें इतना शाइन आएगा, आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। और जो भी आपका फेवरेट शैम्पू है उससे आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा आपको जब भी टाइम है शैम्पू करने से पहले। तो ये ओलिवेरा जेल है, ये मैंने खादी की ली हुई है बिकॉज़ ये पैराबिन फ्री है। ये ओरिजिनल ओलिवेरा जेल है, इसको आप लीजिए 2 से 3 चम्मच। आपकी हेयर ग्रोथ के ऊपर है कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी बड़ी है, आप उस हिसाब से एक कांच की कटोरी में क्वांटिटी ले सकते हो, 2 से 3 चम्मच, या ज़्यादा लंबे बाल हो तो ज़्यादा। वो ये 2 से 3 चम्मच कटोरी कांच में लेने के बाद में आप इसमें विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल्स, जितने आपके हेयर्स हैं उसके हिसाब से, अगर मेरी लेंथ है तो 2 काफ़ी हैं, अगर बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो फिर आप 3 से 4 भी लीजिए जिनके कमर के नीचे हैं, और जिनके शोल्डर तक हैं हेयर तो आप 2 से 3 कैप्सूल ले सकते हैं। और उसको लेके आप अच्छे से उसको मिक्स कीजिए एक स्पून के साथ में, और उसको मिक्स करने के बाद आप पूरे स्कल्प पे, पूरे बालों में लगाइए। लगाने के बाद में उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, और फिर अपना रेगुलर शैम्पू आप कर सकते हैं। और रेगुलर शैम्पू में भी अगर आप कटोरी में लेके ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं तो उसके बाद आप शैम्पू कीजिए एंड सी द मैजिक इन द हेयर। कौन बोलेगा, आपको स्पा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्मूथनिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने आपके बाल शाइन करेंगे और स्मूथ होंगे। सो करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।